हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टे शॉक कट्स, हेयर स्टाइल बिकम्स ईजियर। तो आप पहुँच चुके हैं जी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की ऑफिशियल वैबसाइट पर, जिथे अज केस की सुनवाई होनी सी, जो 2364 ईडी नू स्टे लग्या होया केस जिहड़ा उसकी सुनवाई होनी सी। पूरी उम्मीद है कि जी जिहड़ी दी स्टे आ टुट जाएगी। दलजीत कौर वाला एक केस है तो जिहड़ा इन्हां दा ऑफिशियल केस है वो आप ओपन कर लिए। इस वीडियो के आप तुहानू डिटेल दे विच होर भी बहुत सारी इनफॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसे यही केस के नाल रिलेटड जिहड़ा है जी अमन जिंदल का केस, जिहड़ा एंटिटी वाला केस है वो भी नाल ही रिलेट हो चुका है। तो नाल इस आप तुहानू मीटिंग बारे भी इनफॉर्मेशन देने वाले हैं। सो डिटेल इनफॉर्मेशन तुहानू इस वीडियो के मिलेगी, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। कई बार तक यूट्यूब की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती तो प्लीज़ टैलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। हाँ जी, ये जी पूरी डिटेल केस हैगा जी, ओरिजिनल आप ओपन कर लिया। तो इस ही तुम देख सकते हो सैकेंड नंबर से जो केस इस अटैच किया गया से वो केस आप ओपन कर लिया। इसकी सुनवाई जी है पहला 28 जून में हुई थी, अज सुनवाई होनी है 2 जुलाई। इसकी जी नैक्सट डेट हैगी है जी वो मिल चुकी है 28 जुलाई 2021। हाँ जी, इसकी नेक्स्ट डेट मिल चुकी है 28 जुलाई 2021 में, हूँ अगली सुनवाई होएगी। लेकिन इस तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि इस कोई फैसला नहीं आया, क्योंकि फैसला जोड़ा वो अगर पोस्टपोन हो गया। पर अज आप थोड़ा दस दईए जी कि 2 बजे अज जी यूनियन वाले की मीटिंग है जी, कैप्टन संदीप संधू तो सिक्ख्या मंत्री जी उन्हों की मीटिंग है, दोबारा मीटिंग रखी गई। और पूरी इतने उम्मीद है इस मीटिंग की कि मीटिंग जी हूँ आखिरी मीटिंग जी होने वाली है, क्योंकि भरोसा दवाया गया कि इस मीटिंग जरूर कोई ना कोई फैसला निकल के आएगा। क्योंकि अज आप थोड़ा दस दिए जी सुरेंद्र पाल जो टावर के उत्ते चढ़े हुए साथी ईटीटी यूनियन के सी, उन्होंने अज अपना मरण वर्त जो तोड़ दिता है। उन्होंने भी पूरा भरोसा दवाया गया कि अज मीटिंग जरूर कोई ना कोई फैसला निकल के आएगा। मीटिंग जी अज 2 बजे होएगी जी, तो 2 बजे मीटिंग शुरू होएगी। जिमें कोई मीटिंग ऑफिशियल अपडेट आती है आप थोड़ा इसे चैनल पर अपडेट कर दें। सो ये जी ईटीटी केस बारे कि ईटीटी का केस की जी नैक्सट डेट है वो 28 जुलाई 2021 मिल चुकी है, तो नाल ही यदा फैसला जोड़ा अज मीटिंग तो भी पूरी उम्मीद है जी मीटिंग जरूर कोई फैसला होएगा। इस दे नाल ही आप थोड़ा एक इनफॉर्मेशन होर दे दी है। हाँ जी, तुम देख सकते हो ये हैगा ओरिजिनल केस, जिदा ओरिजिनल केस जिस उत्ते स्टे लगी हुई है। इस दे विच सब तो पहला सिर्फ पहला ही केस जोड़ा है CM 4701 ये अटैच से, लेकिन उस तो बाद 4 केस जोड़े हैं होर अटैच कर दिए गए थे। लेकिन हुण तुम देख सकते हो ये 2 केस जोड़े नवे अटैच कर दिए गए, नवे इस नाल जोड़ दिए गए हैं, जिदे विच तुम सब तो लास्ट दे विच अगर देख सकते हो 11318 वाला केस है। जब आप ओपन करते हैं तुम इतने देख सकते हो ये केस कहड़ा है जी, ये हैगा जी अमन जिंदल एंड अदर्स वर्सिज स्टेट ऑफ पंजाब, जिदे एडवोकेट है जी अमित शुक्ला। तो आपको पता है जी जे अदर जी अमन जिंदल एंड जरा केस लगाया हुआ जी वो केस भी हूँ जरा इस अटैच कर दिया गया। यह केस भी इस केस जरा अटैच कर दिया गया जो ओरिजिनल केस है जी 3363 वाला, इस अटैच कर दिया गया। तो इसका फैसला भी इस केस के उत्ते लागू मनिया जाएगा। तो इस तरह जी ये वाला केस भी इस अटैच कर दिया गया। ईटीटी जिहड़े जिस केस के उत्ते स्टे लगी हुई थी उसकी डेट जी नैक्सट 28 जुलाई कर दी गई है। लेकिन अज जी 2 बजे मीटिंग हैगी है जी सिक्ख्या मंत्री नाल सारे ही ईटीटी यूनियन की जी मीटिंग रखी गई है, तो पूरी पूरी उम्मीद है जी वो उस मीटिंग अज फैसला जरूर निकल के आएगा, जिसे 2364 भर्ती जल्दी ही अपॉइंटमेंट लैटर जारी करने बारे मंग रखी जाएगी। तो ही नवी भर्तियां जल्दी ही आउट करने बारे, तो उन्होंने भर्ती के ईटीटी प्रैफरेंस देने बारे पूरी मंग रखी जाएगी। तो बाकी मीटिंग जिम्मे भी कोई फैसला निकल के आता जी आप थोड़ा इसे चैनल पर अपडेट करेंगे। पर कई बार की होंगे यूट्यूब की नोटिफिकेशन थोड़े तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए प्लीज़ टैलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो ताकि हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थोड़े तक टाइम से सब तो पहला पहुँच सके। उसका लिंक थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। तो इसकी ऑफिशियल इनफॉर्मेशन, आई होप इनफॉर्मेशन थोड़े लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वध तो वध शेयर करो, तो नाल ही अपने चैनल में सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। हर एक नोटिफिकेशन टाइम सिर से सब तो पहला पाने लिए तुम फेसबुक या टैलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। थैंक यू।